ओडिशा हमारे देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और आज इस वीडियो में हम इस स्टेट के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी शायद ही सुनी हो। नंबर वन, आपने रसगुल्ला तो खाए होगा और आप इसे एक बांग्लादेश के तौर पर जानते होंगे, पर ऐसा नहीं है, ये एक बांग्लादेश नहीं है बल्कि रसगुल्ले की सबसे पहले शुरुआत उड़ीसा में हुई थी और इसे एक ओरियन डिश के तौर पर जाना जाता है और उड़िया में इसको चैना पौड़ा कहा जाता है। नंबर टू, लैंड रिवेन्यू यानी कि ज़मीनी कर। उड़ीसा में सबसे पहले ज़मीनी कर गंजम डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था और उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे पहले जो लैंड रिवेन्यू था वो यहीं पर शुरू हुआ था, यानी कि पूरे देश में सबसे पहले लैंड रिवेन्यू गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ही शुरू हुआ था। नंबर थ्री, दुनिया का सबसे बड़ा अंडा जो कि 13 इंच तक बड़ा है और 9.5 इंच तक चौड़ा है, ये अंडा का गाइगनेटिक हार्बिवोरस फाइटलेस एलिफेंट नाम के एक पक्षी का है जिसे कि आखिरी बार 1650 में देखा गया था। ये अंडा आज भी भुवनेश्वर उड़ीसा के एक रीजनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में सुरक्षित पड़ा है। नंबर फोर, धनु यात्रा या फिर धनु यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है जो कि उड़ीसा के बहारवा में होती है। ये फंक्शन हर साल ऑर्गेनाइज होता है और 8 किलोमीटर के रेडियस में होता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिगेस्ट ओपन एयर थिएटर के नाम से भी सेव किया गया है। नंबर फाइव, उड़ीसा में 62 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और इन सभी ट्राइबल ग्रुप्स के अपने अपने ट्रेडिशन और अपने अपने कल्चर होते हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं। नंबर सिक्स, कोणार्क टेंपल जिसे कि ब्लैक पगोड़ा और सन टेंपल भी कहते हैं, 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को एक बड़े रथ के शेप में बनाया गया है जिसमें कि 7 घोड़े और 12 पहिए लगे हुए हैं। वो 7 घोड़े सूर्य भगवान को ले जाते हैं और पहियों का इस्तेमाल सटीक समय को देखने के लिए किया जाता है। नंबर सेवन, उड़ीसा के जगन्नाथ टेंपल किचन को दुनिया के सबसे बड़े किचन के नाम से नवाजा गया है। यहाँ पर 400 से ज़्यादा कुक 200 से ज़्यादा चूल्हों पर रोज़ खाना पकाते हैं और रोज़ 10,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। नंबर एट, 1992 में जब अल्कोहल की वजह से ओडिशा के कटक में बहुत सी मौतें हुई और इसके बाद 1994 में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अल्कोहल पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब 1995 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्होंने अल्कोहल को फिर से अनबैन करते हुए कहा कि शराब के बैन होने की वजह से उनको रेवेन्यू में बहुत से लॉसेज हुए हैं और इसी की वजह से उन्होंने शराब को फिर से अनबैन किया और एक साल बाद में ये शराब फिर से बिकना शुरू हो गया। वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर हमारे चैनल के और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक जरूर करना।